यहाँ पर कैविटी प्रॉब्लम में जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ये एक इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है जिसका मैंने बॉटम भी दिखाया है जैसे तुमको पता है। और फिर मैंने क्या किया है, यहां से मैंने एक कैविटी कट की, एक कैविटी कट करके निकाल दिया है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है मान लो कुछ भी है, और रेडियस है कैपिटल आर। ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास में 2 आर, ये है 4 आर, करंट यहाँ पर है। यहाँ पर करंट है, ठीक है ना, ये 2 आर। तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, पॉइंट है P, एंड दिस डिस्टेंस इज 8 आर, ये डिस्टेंस है 8 आर। करंट डेंसिटी दे रखा है मुझे जे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये अपना कैविटी। क्वेश्चन लिख देना फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इफ आर रेडियस ऑफ कैविटी इज रिमूव्ड, इफ आर रेडियस ऑफ कैविटी इज रिमूव्ड, अगर आर रेडियस की कैविटी को तुमने रिमूव किया है तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे बता दो कितना होगा। बात समझे? तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो मैं जो डायग्राम थे मैं वही बना लेता हूँ। एक तो ये था तुम्हारे पास में, और एक छोटा सा डायग्राम बना लूंगा मैं जो कैविटी था। फिर तुम्हें याद हो तो मैंने कैविटी को फिल कर दिया था पहले, तो क्या अभी भी कैविटी को मुझे फिल कर देना चाहिए? और जो कैविटी फिल कर रहा हूँ मतलब जो यहाँ पर करंट है वो सब मैंने अंदर के डायरेक्शन में लिया है। अगर कैविटी जो फिल किया है यहाँ पर जैसे करंट इनसाइड लिया, तो यहाँ पर अगर मैं करंट आउटसाइड ले लूंगा सेम करंट, क्या करंट 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से एक कैविटी बन जाएगी वहां पर? अगर ये पॉइंट से तुम पॉइंट पी को देखोगे तो वो 6 आर दिखेगा तुमको, एट द 6 आर डिस्टेंस पे ये करंट है, राइट? और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है, और यहाँ से जो पॉइंट है पी वो 8 आर डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी यहाँ पर है। आप समझे? हाँ तो अब मुझे जरा अच्छा ये बताओ तुम लोग, यहाँ पर करंट कितना होगा? अगर यहाँ पे मैं करंट I1 मान लूँ तो वो कितना हो जाएगा? अगर करंट डेंसिटी J है तो क्या J इंटू A, और देखिए एम्पीरियन लूप ये होगा ना, बात समझ रहे हैं? हाँ तो ये मैग्नेटिक सर फील्ड की डायरेक्शन होगी जिसको मैं B1 बोल सकता हूँ। सो एरिया बता कितना हो जाएगा, जे इंटू एरिया इसका कितना होगा, रेडियस का 4 आर बाय, 16 पाई आर। हाँ जे इंटू 16 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज करोगे एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लॉ, तो ये जाएगा B1.dl इक्वल टू म्यू नॉट IN, राइट? B1 एंड DL कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, आर कितना है 8 आर, इक्वल टू म्यू नॉट, एंड IN कितना है तुम्हारे पास में, ये तो निकाला ना मैंने अभी, J इंटू 16 पाई आर स्क्वायर। मैं एक ही कराऊंगा बाकी सब तुमको करना पड़ेगा, 8 2 16, पाई ने पाई को मारा, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो यहाँ से जो B1 आ गया वो मिल गया तुमको म्यू नॉट जे कैपिटल आर, सही है?
सिमिलरली इसके लिए बोल ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ जो कि होगा बी टू, और यहाँ पर अगर तुम आई एन निकालोगे तो वो होगा जे इन टू नन्ना ए, जे जे है, एरिया बताओ तनिषा कितना होगा, इसका रेडियस है स्मॉल आर IR2 पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में आई एन आ गया, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो बी टू डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, ठीक है बेटा। यहाँ से तुम मुझे बता दो डीएल कितना हो जाएगा, टू टू पाई पाई इंटू 6 R म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई निपटेगा, बाकी कुछ भी निपटने वाला नहीं है। देख यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, ये पहले स्मॉल ही आ हुआ करता था ना। हाँ सर, दोनों सेम ही होगा कैपिटल R। ओके नहीं तो नीचे बच जाएगा आर के साथ में, अगर वो आर वो कटना उसका चाहिए। रेडियस कैपिटल आर ही दिया है वो कैविटी का। अच्छा हाँ ठीक है, ये कैपिटल आर ही दिया है ना। हाँ तो अभी एक कटेगा आर, मैं वही देख रहा था, तो ये आर स्क्वायर से आर भी कट जाएगा। यहाँ से बी टू कितना मिल जाएगा तुमको, म्यू नॉट जे आर अपॉन 12, ये तरह बी टू। यहाँ पर देखोगे तो बी वन ऐसे है और बी टू ऐसे है, तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी तो वो कैसे निकाल लूंगा मैं, यहाँ पर तुम देख सकते हो फॉर बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये अपना हुआ बी वन जो कि कितना है म्यू नॉट जे आर, ये तुम्हारे पास में हो गया बिट्टू, और बिट्टू कितना है म्यू नॉट जे आर बाय 12, तो नेट कितना आएगा नीचे, क्योंकि म्यू नॉट जे आर बड़ा है और ये म्यू नॉट जे आर बाय 12 छोटा है, यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी वन माइनस बी टू, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखा ना, यहाँ से बी नेट हो जाएगा हाँ म्यू नॉट जे आर माइनस ये, तो 12 माइनस 1 कितना होता है 11, 11/12, सर, ये देख लो ना ऐसे 11/12 आ गया म्यू हाँ नॉट, सर, हाँ 11/12 याद है ना सबको, म्यू हाँ नॉट जे आर, ये तुम्हारा आंसर आएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन है डाउनवर्ड, हाँ डायरेक्शन ऑफ बी नेट। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये खतरनाक तरीके से, हाँ सर, नोट कर लिया सबने इसे, कितने हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, लोग पहले से करके बैठे थे इसको। पहले से कर लिया था, मतलब आप जब कर रहे थे तभी कर लिया, ओके उसमें समझ आ जाता है कि क्या गलती होता है, मतलब ये तो बात है, जैसे नहीं किया वो करें जल्दी से। ठीक फिर ये आंखें क्यों बना रहे हैं आप? ये अच्छा दिखता है ना, ऐसे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक ये दिखा तुमको, और फिर मैंने क्या किया एक कैविटी कट कर दी, एक कैविटी कर कट के निकाल दिया गया है यहां से, ठीक
रेडियस आर, ये 2 आर, ये 2 ना आर नहीं है, 4 आर ले ले। और तुमको जो मैग्नेटिक फील्ड बताना है, पॉइंट पी यहाँ पर है और ये डिस्टेंस है 2 आर, ये तुम्हारा कैविटी है एंड करंट जो है वो इनवर्ड है ऐसे, बात समझा? अच्छा एंड ये डिस्टेंस अगेन 2 आर है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। करो